जय श्री राम मेरी डेविल फैमिली को, कैसी है मेरी डेविल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ मिस्टर डेविल और आप देख रहे हैं मिस्टर डेविल ऑन राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो फाइनली गाइस, आज ये आ गई है वीडियो मोस्ट अवेटेड, जो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा है अभी, कि स्टॉक वर्सेस आपकी मॉडिफिकेशन जो बाइक है गाड़ी, वो उसका कंपेरिजन करो कि आपने क्या क्या स्टॉक से मॉडिफिकेशन में लाया है। तो आज ये दोनों चीज़ अपने पास आ गई है। ये पूरी स्टॉक गाड़ी है, सिर्फ इसके सॉकर्स पे येलो कलर का रेडिंग कराया है, बाकी थोड़ा बहुत नाम वगैरह लिखा हुआ है, बाकी पूरी स्टॉक गाड़ी है और ये है फुल मॉडिफाइड। तो अभी दोनों का कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले ये देखो आप, इसमें क्या टीवीएस आईडी की जो हेडलाइट है, ये है ओरिजिनल स्टॉक वाली, ओके। और जो मेरी वाली है, ये है मॉडिफाइड वाली। इसमें मैंने क्या किया है, पिछली बार तो ग्राफिक्स वगैरह कराया था, ग्राफिक्स मैंने सब हटा दिए, आपको बताया था मैंने क्यों हटाया है। अभी मैंने क्या किया है, इसके अंदर लगाया है दो प्रोजेक्टर DRL वाले, और ये नीचे फ्लैशर जो मेरी लाइट थी ये लगाई है। बाकी काम तो उसका तो आपने देख रखा होगा, बाकी स्टॉक लाइट का आपने देख ही रखा है। स्टॉक लाइट्स में ये DRL होती है और ये वाली होती है, और इसमें लाइट्स है और ये ग्रिपर है, वही चीज़ मैंने सेम उसमें भी है, बट उसकी लाइट का जो है ये मैंने हल्का सा एक DRL में चेंज कर दिया है। आपको मैं दिखाता हूँ ऑन करके, ये हुआ है DRL में हल्का सा चेंज, देख रहे हो। DRL वगैरह मैंने ये हटा दिए हैं, ये सिर्फ वाइट दिखते हैं, बाकी ये ऑन नहीं होते। ये रात को लाइट वो जो रेड वाली आती है उसी से ये जल जाते हैं, तो ये अच्छा लगता है थोड़ा बहुत लुक। बाकी मैंने ये किया, और मेन जो लाइट है वो ये थी, आप देख सकते हो मेन ये लाइट है मेरी। तो DRL वगैरह हो गया। सेकंड जो है, मैंने देखो ये ग्राफिक्स वगैरह करते हैं, ग्राफिक्स वगैरह चेंज कराए मैंने, तीन बार ग्राफिक्स चेंज कर चुका हूँ गाड़ी के ऊपर, आप देख सकते हो। ये मैंने रेसिंग स्पेशल एडिशन वाला जो था, जो अपने एंटॉर्क पे लगते हैं TVS के, वो वाले मैंने इस पर लगाए हैं। बाकी जो TVS के आते हैं वो भी लगाए, पर ये वाले ज़्यादा बेटर लगते हैं इस पर कंपेरिजन टू ऑल, तो मैंने ये करवाया है। और स्टॉक पर आपने देखा होगा, स्टॉक ये आता है पूरा क्लियर आता है, ये सिर्फ वाई ने करवा रखा है अपने, और एक्स कनेक्टेड आया इसका। तो ये पूरा स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर कोई भी तरह का स्टिकर नहीं आता टैंक पे, और ना ही कहीं पे आता है, बस ये राइडर एक लिखा हुआ आता है, बाकी कहीं पे नहीं आता है। बाकी देख सकते हो हमारे ये टैंक पे पूरा पूरा अलग अलग तरह के ग्राफिक्स हुए हैं, तो ये चीज़ है। बाकी पीछे जो है ग्रैब रेल पे भी मैंने ये करवा रखा है, ग्रैब रेल देख सकते हो। मैंने क्या किया, ग्रैब रेल आपने देखा होगा पिछली बार मैंने ग्रैब रेल कटवाया हुआ था, पीला करवाया था, यहाँ पर थोड़ा एक ग्राफिक दिया था, यही चीज़ मैंने किया अभी तक। बस मैंने इस पर ब्लैक कलर की रेडियम करवा के थोड़ा सा हाईलाइट्स लुक दिए, जैसे ये देख सकते हो आप, ये दिए है, और ये इसका जो रैप कटाया हुआ है। अब आप सब कहते हैं इस ग्रैब, ये देखो स्टॉक ग्रैब आता है ये वाला, देख सकते हो कोई भी तरह का कोई स्टिकर वगैरह कुछ नहीं आता इस पर, और ये ऐसा ऊपर होके आता है, मेरा वाला क्या यहीं से कटाया हुआ है, बस इतना ही चेंज है, बाकी है तो TVS रेडर का ही। ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया इसको हटाने के बाद में, इसको कटवाने से अच्छा हटवा लेते हैं, हटाना मत, क्योंकि ये हटने के बाद में जो सीट की जो क्वालिटी है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आपकी पीछे बंदा बैठेगा और आपकी चेसिस पे जाएगा सीधा, ये बॉडी वगैरह टूट सकती है, इसीलिए मैंने ये कटवाया था, वरना मैं भी हटवा सकता था, बट मैंने हटाया नहीं। बाकी मैंने इंडिकेटर्स लगाए हैं टेल ID वाले, जो R15 में लगते हैं, इंडिकेटर ये लगवाए मैंने। बाकी स्टॉक इंडिकेटर्स तो ये होता है, और टेल ID मैंने अपडेट कर रखी है। टेल ID आप देखो, स्टॉक टेल ID ये होती है, स्टॉक टेल ID ये होती है, और मैंने जो है ये करा रखी है टेल ID पूरी क्लियर, ठीक है। स्टोर ये देखो, दूसरा मेरा प्रोफाइल है टायर का, टायर मैंने बड़ा लगा रखा है, देख सकते हो आप, टायर मैंने बड़ा लगा रखा है, और टेल ID मैंने ये कर रखी है, वहाँ से मैंने क्लीन करके नंबर प्लेट लगा दी गई यहाँ पे, टायर है घर पे, और उसमें टायर देख सकते हो आप, उसमें टायर छोटा है, और टेल तो वही स्टॉक वाली है जो स्टॉक गाड़ी का आता है। दूसरा है मेरा भाई ये एग्जॉस्ट, जो मैंने फुल बैंड पाइप के साथ लगा रखा है, बाकी ये स्टॉक होता है। बाकी साउंड वगैरह आपको बाद में सुनूंगा दोनों का। ये एक्रापोविक का था, जो मेरा एक्सीडेंट वगैरह में टूटा था, तो वो वाला है, आप कह रहे थे कि इसको दूसरा चेंज कराओ, अभी मैं चेंज कराने सोच रहा हूँ, देखते हैं या तो SC का आएगा या एक बार कोई और देखते हैं, कोई मत सा। तो ये बैंड पाइप के साथ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा रखा है हमने, बाकी पूरी गाड़ी जो है ये तैयार हुई हुई है। अब सबसे मेन जो आप सब कह रहे थे कि भैया गाड़ी की जो सीट हाइट है वो बताओ, अब यहाँ से देख सकते हो क्लियरली सीट, ये साइड बाय साइड लुक दोनों आप देख सकते हो गाड़ी का,
ठीक है, ये देखो सीट हाइट जो है इसकी इसकी कितनी ऊपर है आप देखो। अब मैं आपको कैमरा एंगल में दिखाता हूँ एक बार को, गाड़ी के पीछे वाली सीट पे मैंने रखा है कैमरा, ठीक है, और ये देख सकते हो आप, आपको फ़र्क यहीं पे दिख जाएगा कि कितनी ऊपर है कितनी नीचे है, ये देख सकते हो आप। अभी मैं आपको इसको आगे पीछे खड़ा करता हूँ और इन दोनों पे किसी को बैठाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि हाँ कितनी सीट ऊपर है कितनी सीट नीचे है, आपको पता चलेगा स्टॉक से कितनी ऊपर गई है कितनी नीचे है, अभी पता चल जाएगा। अब देख ही लो क्लियर एकदम से कि कितना ऊपर है, आप मेरी सीट देख सकते हो पीछे वाली, और ये है स्टॉक वाली, ये है मॉडिफाइड वाली जिसका मैंने सोकर अपडेट कराया था, मैंने आपको बताया था। अब देख सकते हो कितना फ़र्क आ गया सीट के अंदर, लगभग अगर देखे यहाँ तक का तो सिर्फ ये टेल आ रहा है, ये देख सकते हो इसके ग्रैब रेल तक तो सिर्फ इसका टेल आ रहा है, और इससे फिर भी चार इंची ऊपर है, तो लगभग टोटल अगर काउंटिंग करें तो सीट लगभग 6 इंची के आसपास ऊपर है मेरी वाली के, ये आप देख सकते हो। टायर बड़ा है, बाकी मैंने व्हील पे भी थोड़ा बहुत येलो कलर करा रखा है गाड़ी से मैच करने के लिए स्पोर्ट्स लुक से, और बाकी ये देख सकते हो पूरी पूरी साइड बाई साइड साइड कंपेरिजन है। ये है अपनी मॉडिफाइड TVS रेडर और ये है फुल स्टॉक, फ़र्क आपको पता चल ही गया कहाँ से क्या फ़र्क आया हुआ है, पूरा आप देख सकते हो साइड बाई साइड प्रोफाइल में पूरा का पूरा चेंज है। ये स्टॉक में कोई तरह का नहीं आता है, जो आप कह रहे थे ना कि भैया ये स्टॉक का ही था, स्टॉक का नहीं था, सीट वगैरह सब मैंने अपडेट कराई है, सब कुछ है। तो बताओ कौन सी वाली आपको ज़्यादा बेटर लग रही है। एग्जॉस्ट का कंपेरिजन पहले सुनते हैं, स्टॉक का स्टॉक साउंड सुनो, ये स्टॉक का है, थ्रॉटल देना, ये स्टॉक साउंड है TVS का फुल, बस बंद कर दो। अब एकदम फुल सिस्टम पे देखते हैं, अब इसका लाउड आप देख सकते हो कितना है, मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर नहीं आ रही, छोड़ो देना, तो ये साउंड था फुल सिस्टम का। और टेल आईडी आप देख ही लो यहाँ से पूरी पूरी, पीछे से कुछ लुक ऐसा है मेरी गाड़ी का, मेरी वाली गाड़ी सीट पूरी ऊपर है पीछे से, ठीक है, और साइड बाय साइड कंपैरिजन भी देख लो आप क्या है क्या नहीं, फ्रंट से भी थोड़ा बहुत चेंज है मेरी बाइक का, फ्रंट से हेडलाइट पूरी पूरी चेंज है, इसमें अभी तक स्टॉक है इस वाली में, और इसमें मॉडिफाइड कराया हेडलाइट वगैरह सब हो गया है, सीट हो गया, टेल लाइट हो गया, टेल आईडी हो गया, टायर हैगर हो गया, टायर साइज़ हो गया, यहाँ तक कि एग्जॉस्ट तक हो गया, हेडलाइट हो गया, बॉडी ग्राफिक्स वगैरह सब मैंने कवर कर दिया है, कुछ भी बाकी नहीं है। हाँ सब मेरे से एक काउंट मतलब एक अभी भी डाउट मेरे को सब पूछते हैं कमेंट में भैया कि भैया आपने टेल आईडी तो कटवा दी, टेल आईडी कटवाने के बाद अब आप सीट कैसे ओपन करते हो, सब मेरे से ये पूछते हैं, क्योंकि इसमें तो क्या होता है यहाँ पे चाबी लगाओ और ओपन हो जाती है, चाबी लगाओ और ये खुल जाती है, बट मेरे वाले में तो ये सिस्टम ही मैंने काट दिया, तो कैसे करते हो। तो अब मैं देखो मैं उस समय बताना चाहता नहीं था ये भी, बट अभी भी मन नहीं है बताने का, क्योंकि मैं अगर बता दिया तो फिर कोई भी आके मेरी गाड़ी सीट खोलेगा और कुछ भी निकाल सकता है, बट चलो रिस्क लेते हैं, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है। यहाँ पे जो ये देख रहे हो आप थोड़ा डर्टी है, कोई ना, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने ये कर रखा है, जो इसको क्या मैं खींचता हूँ ना तो ये खुल जाती है सीट, देख रहे हो, वापस इसको लगा के इसको वापस अंदर डाल दो, मैंने क्या वायर को थोड़ा खींच के आगे ले लिया है, अब इसको ज़ोर से ऐसे पुल अप, ये हो गई लॉक, देख रहे हो, तो ये मैंने करवा रखा है, तो यही चीज़ मैंने कराई थी सीट का। बाकी सब पूछ रहे थे भैया क्या सीट कैसे खोलते हो, सीट खुल जाती है ब्रदर, ऐसा नहीं है सीट खुलती नहीं है, बस थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ता है। बाकी एक बात याद रखना, अगर कोई टेल आईडी करवाता है तो उसको ये भी जुगाड़ करना पड़ेगा, मैंने ये बताया आपको क्या था क्या नहीं। अब मेरे इसे यहाँ से वापस फिलअप करना है मुझे, ये ख़राब हो गया, फिलअप करेंगे इसको थोड़े दिनों में। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे TVS दोस्तों के साथ जिनके पास TVS रेडर बाइक है। और चलिए मिलते हैं आपको अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, सेफ राइड, कीप वॉचिंग मिस्टर डेविल ऑन राइड, बाय बाय।